क्या नाम है आपका? बाकर जी। किसकी जयंती मना रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री। कौन सी है? 115वीं जयंती है, और 115वीं जयंती में हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता इसको बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और उनके विचारों पर सबको अवगत भी करा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों के हक में वो कार्य किए हैं जो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य नेता ने नहीं किए हैं। आज स्थिति यह है कि चौधरी चरण जो बीजेपी की सरकार है, वो चौधरी चरण सिंह का जो आज पार्क है उसकी गंदी बुरी हालत है। ना तो पुताई है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है, यहाँ के मेयर साहब ने भी कुछ नहीं किया है। यहाँ चूना तो डलवा दिया गया है, बाकी सफाई के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में किसान विरोधी है, और सपा में भी यही हाल रहा था जो सपा का चलता। आज बीजेपी ने वो हाल कर रखा है कि पूरे पार्क को देखो, धूल ही धूल लग रही है। आज सभी किसानों के जो चाहने वाले हैं सभी मायूस भी हैं कि जो ऐसी भाजपा की सरकार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जैसे देखने में ये लग रहा है कि कोई इनका कोई बारिश ही नहीं है, ना इन्होंने कोई किसानों के लिए कोई काम किया है। आज किसान ऐसी स्थिति में मर रहा है कि गन्ने का उसका अभी बकाया फूल नहीं मिल पाया है। फसलों में जो ओले का मामला हुआ था उसमें उसको अभी कुछ मुआवजा नहीं मिल पाया है। बहुत बुरी हालत है, और हम सारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हैं।